और भालेराव निर्देशमुख संदिग्ध आतंकवादी कादिर सिद्दीकी की हत्या के मामले में गैंगस्टर शरद मोहन और उसके सहयोगी भालेराव को शिवाजी नगर अदालत से बरी कर दिया है। मोहन और उसके साथियों ने सिद्दीकी की हत्या 8 जून 2012 को येरवाड़ा जेल से अड्डा सेल में कर दी थी। बेटी ने पिता पर लगाया रेप करने का आरोप, एनजीओ ने कराया लड़की को आजाद। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक बेटी ने कथित तौर पर अपने पिता पर रेप करने का आरोप लगाया है। 16 साल की बेटी ने अपने पिता पर रेप करने का आरोप लगाया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि गांव वालों ने इस घटना के बारे में एक एनजीओ को सूचना दे दी। मायावती ने किया तंज, डबल इंजन वाली सरकार का क्या लाभ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर केंद्र के नरेंद्र मोदी और प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला हुआ उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट सरकार को लज्जित करने वाली है कि जन स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा राज्य है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।